तो अभी मैं हूँ पटाया बीच, जो प्रोग्राम था वो तो हो गया पूरा कंप्लीट। सो अब मैं किनारे कहीं बैठा था यहाँ पे इनके साथ, अभी ये फिश पकड़ रहे हैं तो अच्छा है। इनका इनकी टेक्निक मैंने देखी फिश की, काफ़ी लॉन्ग थ्रो कर रहे हैं ये, मतलब 15 मीटर लॉन्ग थ्रो कर रहे हैं यहाँ से, ओ सॉरी 25 प्लस मीटर थ्रो कर रहे हैं तब एक फ़िश पकड़ रहे हैं। तो मैं आपको इनका दिखाता हूँ कैसे पकड़ रहे हैं ये फिश। ये भी चलो देख लिया मैंने, आज तक मैंने कभी बीचेस में देखा नहीं था, ये देखा था कि हाँ समुद्र के समुद्र के बीच में बोट ले आते हैं और वो फिर लोड करके लाते हैं बीचेस में और तब सप्लाई करते हैं, पर ये यहीं बीच में ही पकड़ने लग गए हैं। आई विल शो, कैसे भी कर रहे हैं। ये साइड आपको दिखेगा नहीं, तो अभी ये लेके आ रहे हैं। मैंने इनको बोला कि एक ऊपर थ्रो करके दिखाओ, कितने ऊपर तक पहुँच जाएगा ये। ओह माय गॉड, तो कंफर्म बहुत है। थैंक यू, अपन था। सो काफ़ी दूर तक फेंका इन्होंने, तो अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, मतलब अपने हॉस्टल में। रात की 2 बज गए, काफ़ी लेट हो गया, तो सारे मज़े पूरे हो गए, लोग जाने लग रहे हैं अब, तो अब हॉस्टल जाते हैं, आराम फरमाते हैं। एसी का, इस वाले में एसी है, पिछले वाले में फ़ैन था, तो ये थोड़ा लग्जरी है। आपको कॉल गर्ल्स दिख जाएगी, यही तो मेन रीज़न है कि मैं ठीक से रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स इतनी है कि क्या मैं बताऊँ। और अगर इनके सामने कैमरा ले जाऊँ तो एकदम से चिढ़ जाते हैं ये। बाकी मैं स्ट्रीट में तो आ ही गया हूँ, अब घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है घर जाने का। अब यहाँ पे छाव भी आएगी, लोकेशन के लिए जा रहे हैं। सो आज यही है, कल मैं पटाया सिटी जाऊंगा जहाँ कॉर्नर है, जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है तो वैसे ही है पटाया का, तो कल मैं वो विज़िट कर लूँगा।